आज मैं आपको फोआ मेदू वड़ा बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक कटोरी फोआ ले लिया, इसे दो तीन पानी धुल दूंगी। मैंने अपने फोए को चार पानी धुल दिया था और उसमें एक कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा पोहा फूल के तैयार हो गया है। यहाँ पे चार हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे धनिया की पत्ती ले ली थी, उसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे दो प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अपने पोहे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब मैं अपने कटे हुए प्याज इसमें डाल दूंगी। मैंने जो धनिया कट किया था और हरी मिर्च, उसको भी हम इसी में डाल देंगे। मैंने पांच आलू बॉईल करके ले लिए हैं, उसको छील लिया है। अब मैं इसे कद्दूकस से कद्दूकस कर दूंगी। मैंने अपने आलू को कद्दूकस कर लिया है, मैं इसे भी अपने पोहे के मिक्सचर में डाल दूंगी। इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी। मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। मैं इसमें चार चम्मच बेसन डाल दूंगी। एक चम्मच तेल डाल दूंगी। अब सभी सामग्रियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी सामग्रियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, हाथों पे तेल लगा लिया। अब हम अपने मेदू वड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसी तरीके से अपने सभी मेदू वड़े को बना के तैयार कर लेंगे। मैंने अपने पोहे के सभी मेदू वड़ों को इस तरीके से बना के तैयार कर लिया। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने गैस पे एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम अपने मेदू वड़ों को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब अपने मेदू वड़े को डाल देंगे। हम आंच को मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारे मेदू वड़े क्रिस्पी फ्राई हो। पोहे के मेदू वड़े एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। पोहे का मेदू वड़ा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, आप इसे ट्राई करिएगा तो आपको खुद महसूस होगा कि कितना अच्छा बना है। अब हम इसे तेल में से निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से अपने सभी मेदू वड़ों को बना के तैयार कर लेंगे। पोहे के सभी मेदू वड़ों को फ्राई कर लिया, अब मैं इसे सर्व कर लूँगी। अगर आपको कोई भी नाश्ता सुबह खाने का मन कर रहा हो तो 20 से 25 मिनट के अंदर आसानी से बनके तैयार हो जाएगा। उसके लिए ज़्यादा सामग्रियों की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।